मोहिनी के तीन बेटे थे। पति खूब अच्छा कमाता और बड़े घर के ऐश सब था मोहिनी के जीवन में, लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो थी सुकून। मेरी बहन और मेरा भाई दोनों गरीब, लेकिन मैं मेरे पास तो नोट की बरसात है। तभी मोहिनी की बहन वीना उसके दरवाजे आ जाती है। अरे मोहिनी कैसी है, मेरे घर में ना सिलेंडर खत्म हो गया है। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलेंडर। पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी मोहिनी का पति राकेश आ जाता है। क्या है वीना, ये अपने घर की परेशानी हम लोगों के घर ना गाया करो। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर तरस आ जाता है और वो पैसे देने लग जाती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ जीजा जी, नहीं नहीं मैं तो वो बस, अच्छा मैं चलती हूँ। वीना वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद। अच्छा किया जो आपने सुना दिया। अरे न जाने क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है कि जैसे यहाँ तो भंडारा भरा है। अरे कितना तो दे दिया। अच्छा जी जरा 1000 तो देना, वो विन्नी दीदी है ना, उनके घर जा रही हूँ, उनका पोता हुआ है तो मुंह दिखाई दे दूंगी। हाँ हाँ, उन लोगों के आगे तो शो ऑफ किया करो, वो खुद को बड़ा अमीर शो करते है ना, दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। हाँ जी इसी के लिए तो जा रही हूँ। मोहिनी तैयार होकर अपनी बुआ की बेटी के घर जाती है, जहाँ उसके पोते का कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ वीना भी आई होती है। अरे वीना क्या जरूरत थी यहाँ आने की, तेरे घर पर गैस नहीं है तो वो भरा लेती। क्या करूँ मोहिनी, बुआ को बुरा लग जाता नहीं जाती तो। वैसे मेरे पास एक जोड़ा बच्चे का कपड़ा रखा था, वही अपनी चांदी के पायल के साथ देने जा रही हूँ। घर पर गैस थी नहीं, सोचा परिवार यहीं खाना खा लेगा, बाकी सुबह का सुबह देखा जाएगा। मोहिनी को बहन पर दया आ जाती है, वो पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दे देती है। ले वीना, लेकिन पैसे वापस कर देना, तेरे जीजा जी हिसाब लेते हैं। मोहिनी भी क्या करती, गरीबी में बहन का सहारा ही उसके जीवन जीने का आधार था। फिर एक रोज, सुनिए भाई के घर बेटी हुई है, मुझे माँ के पास जाना होगा। अरे उस घर में ना कूलर है ना एसी, कैसे रहोगी तुम? हाँ वही सोच रही हूँ कि अकेली जाऊं, बच्चों को साथ ना ले जाऊं। चली जाओ, लेकिन ये जो तुम अपने गरीब परिवार से मिलने चली जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन क्या करूं। मोहिनी भाई भाभी के घर आती है। मोहिनी कैसे आना हुआ, तू यहाँ हम लोगों के घर रह लेगी या फिर किसी होटल में रहेगी? क्या हो गया है माँ, मोहिनी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप? अरे तू नहीं जानती अपनी ननद को, पैसे वाली है ना, तो ऐड कुछ ज्यादा ही है। मोहिनी को माँ की बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि माँ उसे जली कटी सुना रही है। वो भाभी की बच्ची के साथ लेन देन करती है और वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद। माँ क्यों आप मोहिनी को इतनी सारी बातें सुनाती हो, भाई का बेटा बोल पड़ता है। माँ क्योंकि दादी जानती है कि बुआ के अंदर घमंड है। सही बोल रहा है मोहन, बहू भले तुझे ना दिखता हो, लेकिन मुझे और मोहन को दिखता है कि वो कितनी घमंडी है। मोहिनी मायके आती है, जहाँ गरीबी के कारण चीजें कम होती हैं। इस मोहन के बच्चे को काम पर लगा दो ना, किसी दुकान या किसी होटल में, बर्तन बर्तन धो लिया करेगा, कम से कम 4 पैसे और आएंगे घर में। देख मोहिनी, माना तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे भाई के दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवा कर उससे बर्तन धुलवाए। मोहन माँ की ओर देखता है, जैसे आंखों से बोल रहा हो, देख लिया बुआ का हाल। हाँ मोहिनी बात तो सही है, लेकिन अभी मोहन को पढ़ना है, आखिर तुम भी तो अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हो ना। मेरे बेटों से कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप, अरे वो तो कलेक्टर बनेंगे। हाँ कल को वो मोहन को नौकरी में रख लेंगे क्यों। मोहिनी कुछ दिन और रहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता है, मोहन बड़ा होता है और कड़ी मेहनत से सफल भी हो जाता है।
मोहिनी, माँ के जाने के बाद तो तुमने भाई भाभी के घर जाना छोड़ ही दिया, क्यों? वो क्या है ना, उन लोगों का घर छोटा है, मेरे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। पर तुझे क्यों अचानक मायके की बात याद आ गई? यार मेरा तो मायका है, भाई भाभी है, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे से घर में और कम पैसे में रहने की। वैसे क्या खबर है आजकल मायके की अपने? अब वो घर छोटा और कम पैसे का नहीं रहा, क्योंकि मोहन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। फिर क्या, मोहिनी भाभी को फोन करती है। मोहन किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो गया है क्या भाभी, क्या ये सच है? हाँ मोहिनी दीदी, अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन कट गए। आपके भाई ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। देख लो भाभी, पहले भी आपने कई गलतियां की थी, आप थोड़ा संभल कर चलना। भाभी को मोहिनी की बात समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहती है। फिर एक दिन वीना मोहिनी से कहती है, मोहिनी हमारा भतीजा मोहन अच्छा कमा रहा है, क्यों ना मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूं? अरे बुआ का बेटा है, ये सोचकर मदद तो करेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, उसके बुरे दिन में तो हम भी खड़े थे। मोहन को वीना फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, आप सिद्धार्थ को भेज दें, मैं अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी करवा देता हूँ। दिन बीतते हैं, अब वीना के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है वीना, तूने भी कार ले ली, वो भी इतनी अच्छी। हाँ मोहिनी, अपने भतीजे के कारण तो हम लोगों के दिन अच्छे हो गए, उसने सिद्धार्थ की नौकरी लगवा दी है, वो भी शानदार। ठीक है, लेकिन पैसे ख्याल से खर्च करना, वो क्या है ना, पैसे आने आसान है लेकिन संभालने मुश्किल। मोहिनी घर पर अपने पति से बात करती है। देखो ना, सबके पास पैसे हैं, एक वक्त था जब मैं ही अमीर हुआ करती थी। लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी, मेरी नौकरी को कुछ साल ही बचे हैं और तुम्हारे दोनों लड़के निकम्मे हैं, उन लोगों को बोलो ना कि नौकरी करें। तभी वहाँ मोहिनी के बेटे भी आ जाते हैं। अरे हमें क्या मोहन समझा है, जो दिन रात गधे की तरह काम करते रहे। खैर दिन फिरते हैं और मोहिनी के पति की नौकरी भी खत्म हो जाती है। मोहिनी क्या करे, थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। तो क्या करे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोहन को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए नौकरी देखे, जैसे सिद्धार्थ के लिए नौकरी देखी है। मोहिनी क्या कहती, उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी से मोहन को नौकर बनने की सलाह दी थी। क्या हो गया, क्या सोच रही हो मोहिनी? यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है, ऊपर वाले से डर कर रहना चाहिए।